और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तांडव कर रहा है, बेहद तेजी से यह दर्ज किया गया। कोरोना संकट बेकाबू होता जा रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक प्रदेश लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। पूरे देश में भी लॉकडाउन की मांग हो रही है, अभी भी कुछ शहरों में कंप्लीट और पार्शियल लॉकडाउन है। कोरोना की वजह से देश भर में जो रिकॉर्ड मौतों का आंकड़ा सामने आया है वो चिंता की बात है। एक दिन में कोरोना से 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और दो दिन बाद देश भर में फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं। दो दिन से जो संक्रमितों का आंकड़ा कुछ कम नजर आ रहा था वो फिर से सामने आया है। 3,82,000 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। देखिए एक और बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। हड़कंप क्यों मचा, अब आप इस लाइन को सुनेंगे तो समझेंगे। ये जो मौजूद स्ट्रेन है, ये मौजूदा स्ट्रेन से 15 गुना ज्यादा घातक है, 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का फेफड़ा 3 से 4 दिन में खराब हो जाता है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि दूसरी लहर से ज्यादा भयावह हो सकता है नया वेरिएंट। यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर है। यूपी में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब मंगलवार तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यूपी में कल सुबह खत्म हो रही थी कोरोना कर्फ्यू की मियाद। वीकेंड कर्फ्यू बढ़ाया गया था सोमवार तक, फिर उसको बढ़ा के कर दिया गया था बुधवार तक, गुरुवार की सुबह तक यानी तक, लेकिन अब इसको फिर आगे बढ़ा दिया।